आज के दिन जम्मू के कई इलाकों में श्री महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसे में देखने को मिला कि जम्मू के शालामार में SMGS हॉस्पिटल यानी श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल में भी आज युवा रायपुर सभा द्वारा महाराजा गुलाब सिंह जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। गुलाब सिंह अमर रहे। अज 232वां जी जयंती अज महाराजा गुलाब सिंह हुंदी। ये पहले डोगरा शासक है जिन्हें जम्मू कश्मीर की नींव रखी ही और जम्मू कश्मीर की बनाने वाले डोगरा पहले डोगरा वीर है जिन्हें अपनी बाहें बहुत जोरा पर गिलगित बलोचिस्तान और तिब्बत तोड़ी जी साडे एरिए जिहड़े इन्हें जीते दे ना। साड़ी युवा रायपुर सभा की टीम हर साल इतने आती है और महाराज साहब की जी श्रद्धांजलि इतने पेश करती है। अस ही आखने कि साड़ी जेहड़े जम्मू कश्मीर का एकता जेहड़ा भाईचारा वो हमेशा बनिया रहना चाहिए और इं रोना क्योंकि इयै वो वीर है जिन्हें जम्मू कश्मीर बचाया था। अज अस इतों तुंदे माध्यम कन्नै यह आखना चाहते हैं कि जी साड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट है जी यूटी बनाई दी है वो वास्ते युवा रायपुर सभा की लड़ाई फिर एक बार स्टार्ट होनी है क्योंकि यह स्टेट साढ़े राजे महाराजे की खरीदी की स्टेट है और उनके बलबूते अपने बाहें जोरे पर बनाई दी स्टेट है तो उस स्टेट वास्ते अहें एक बार फिर लड़ाई लड़नी है और वास्ते सारे जम्मू कश्मीर की फिर न्योता लाने अस जियां पहला डोगरा समाज अस किट्ठा करिए चलने हुन्ने आं। इस बार भी डोगरा समाज की पूरे न्योता लाने कि अस ये जम्मू स्टेट जी अहें डुग्गर स्टेट की अहें मांग पहले भी की जी स्टेट रूट की मांग पहले की है वो पर फिर एक बार दोबारा तुंदे सामने आखना चाहते हैं कि सारा जम्मू कश्मीर किट्ठा हो गया। अस 26 तरीक विलय दिवस जोड़ा साड़ा जिधर महाराजा हरि सिंह ने सा विलय दिवस किया हा और असं हिंदुस्तान कन्नै जोड़िया हा। अस आखने साड़ी स्टेट जी विलय दिवस वाले दिन अं वापस मिलनी चाहिए है अगर नहीं मिलती है तो वास्ते युवा रायपुर सभा फिर सरगंश तैयार करे और सड़कें बनाने वास्ते तैयार। आज टाइम निकाला है और आज हम सारे ही महाराजा को श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारी स्टेट है और आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े काम कॉलेजेस हैं नहरें हैं ये अस्पताल है और जिस अस्पताल में 2000 आदमी काम करता है और लाखों मरीजों को दिन का फ़ायदा होता है तो इन लोगों के घर भी चल रहे हैं और हज़ारों आदमी यहाँ पर दिन के कम से कम 10,000 आदमी यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं तो ये हम सबका फ़र्ज बनता है कि हम उनके इस महान हस्ती को याद करें श्रद्धांजलि दें और उनको हमेशा प्यार करें और अपनी यादों में उनको शामिल रखें। थैंक यू।